पहली चीज की बात करें, पहली रचना की बात करें, तो पहली रचना जो आपसे पूछी जा रही है वो है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता की ये एक कहानी का नाम है। आचरण की सभ्यता एक रचना है, और इसकी रचना किसने करी थी? तो इसकी रचना, ये क्वेश्चन व्यापम के ही हैं लेकिन काफी पुराने क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बन के आते हैं और ये पुराने क्वेश्चंस हैं, 5 साल इस क्वेश्चन में हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो आचरण की सभ्यता की जो रचना करी थी, इसने करी थी सरदार पूर्ण सिंह जी ने। सरदार पूर्ण सिंह जी ने इसकी रचना करी थी। एक और चीज थी सरदार पूर्ण सिंह जी की, और कौन कौन सी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, वो इनकी मुख्य रचनाओं में एक और रचना जो शामिल है वो है कन्यादान या नैनों की गंगा। कन्यादान या नैनों की गंगा। और जो इनकी एक और रचना जो इंपॉर्टेंट है वो है आचरण की सभ्यता। तो दो रचनाएं जो आपको इनकी याद, जो काफी पॉपुलर हुई, वो है कन्यादान और नैनों की गंगा, और आचरण की सभ्यता। ये दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। इसके अलावा इनकी और अन्य रचनाएं थी जो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। एक थी सच्ची वीरता और एक थी पवित्रता। सच्ची वीरता और पवित्रता, तो ये थी रचनाएं सरदार पूर्ण सिंह जी की। बात करते अगली रचना की। अगली रचना है चिदंबरा किसकी रचना है? चिदंबरा जो रचना है ये किसकी रचना है? तो चिदंबरा रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है चिदंबरा। और इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी की कौन कौन सी रचनाएं काफी ज्यादा पॉपुलर है? तो काव्य रचनाओं में जो इनकी रचनाएं पॉपुलर है वो है वीड़ा के अलावा ग्रंथी के अलावा युगांत। सुमित्र नंदन पंत जी की पॉपुलर बात करूं, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। युगांत, पल्लवन इसके अलावा युगांत पल्लवन इसके अलावा स्वर्णकिरण के ऊपर भी आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं। स्वर्णकिरण किसकी रचना है? तो सुमित्र नंदन पंत जी की रचना स्वर्ण किरण। और इसके अलावा जो इनके अन्य पॉपुलर स्वर्ण धूली इसके अलावा अति भा इसके अलावा लोकायतन। तो ये कुछ काफी पॉपुलर काव्य रचनाएं हैं सुमित्र नंदन पंत जी की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये चारू अभिलेख वाली बात कर रहा हूँ, चारू चंद्रलेख की बात कर रहा हूँ। चारू चंद्रलेख ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा है व्यापम ने। चारू चंद्रलेख के लेखक कौन है? तो चारू चंद्रलेख उपन्यास के जो लेखक है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी काफी ज्यादा फेमस है। और इनके जो अन्य उपन्यास है वो है बाणभट्टी की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर रहा हूँ। इनके जो अन्य जो पॉपुलर रचनाएं हैं वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके अलावा अगली जो है आनंद दास का पोथा। एक और जो इनकी रचना काफी ज्यादा पॉपुलर है वो है पुनर्वा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही थी और इनके जो पूरे के पूरे पॉपुलर रचनाएं हैं वो ये हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर अगले प्रश्न को देखा जाए तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंदूर की होली किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये है आपकी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है सिंदूर की होली। इसके अलावा जो इनकी अन्य रचनाएं या फिर अन्य जो इनके नाटक हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर है वो है, उसमें से कौन कौन ज्यादा पॉपुलर है? वो है अशोक के अलावा
सन्यासी, सन्यासी के अलावा आधी रात, आधी रात, इसके अलावा मुक्ति का रहस्य, मुक्ति का रहस्य, मुक्ति का रहस्य, इसके अलावा राक्षस का मंदिर, राजयोग, अपरिचिता और चक्रव्यूह। राक्षस का मंदिर, राजयोग, राजयोग, अपरिचिता और चक्रव्यूह। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, बेसिकली क्वेश्चन जो इस टाइप से दिया गया था कि इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में पूछा गया था और आपको रचनाएं दी गई थी, उसमें से एक रचना जो तुलसीदास जी की नहीं थी। लेकिन इसमें आपको जानना ज्यादा ये जरूरी है कि तुलसीदास जी की रचना कौन कौन सी है। तो पावित्री मंगल, पावित्री, पावित्री मंगल, इसके अलावा पार्वती मंगल हो गई, रामलीला नक्ष, रामलीला नक्षु, राम, रामछा प्रश्न, और आपकी रामचरितमानस तो है तुलसीदास जी की रचना। तो ये सारी की सारी जो तुलसीदास जी की भगवान श्री राम से रिलेटेड जितनी रचना है, तुलसीदास जी की काफी फेमस रचना है, रामायण और हनुमान बाहु, ये सारे के सारे जो ग्रंथ है तुलसीदास जी ने लिखे हैं। अगर हम अगले ही रचना की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है राजा, राजा निरंबसिया, राजा निरबंसिया, राजा निरबंसिया किसकी रचना है, राजा निरबंसिया किसकी रचना है। और बेसिकली ये क्वेश्चन में एक्चुअल में ये आया था कि राजा निरबंसिया क्या है, ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर कविता है। तो राजा निरबंसिया क्या है, एक प्रसिद्ध कहानी है, ये ना कि ना तो उपन्यास है ना नाटक है, प्रसिद्ध कहानी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से आपको बताना है कि मोहन राकेश जी की फेमस रचना कौन सी है, मोहन राकेश जी की फेमस रचना कौन सी है, मोहन राकेश जी की फेमस रचना की बात कर रही है, की बात हो रही है। तो इनकी जो फेमस रचना है वो अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी काव्य रचना है, प्रिय प्रवास किसकी काव्य रचना है। तो प्रिय प्रवास किसकी काव्य रचना है, यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। ये क्वेश्चन मेनली व्यापम पूछ चुका है। अगर अगली रचना की बात करें तो अगली रचना में पूछा जा रहा है चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी रचना है, चित्रलेखा किसकी रचना है। तो चित्रलेखा किसकी रचना है, ये रचना है भगवती चरण शर्मा जी की, भगवती चरण शर्मा जी की रचना है चित्रलेखा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो मतलब मैंने एक जो यहाँ पे रचना बता रहा था यहाँ पे राजा निरंबंसिया में, इसमें आपको पूछा था कि कौन सा ये टाइप है और इसके लेखक कौन है। इसके लेखक जो है वो कमलेश्वर जी हैं, कमलेश्वर, कमलेश्वर जी इसके लेखक हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि शिलापंख चमकीले, शिलापंख चमकीले किसकी रचना है, शिलापंख चमकीले किसकी रचना है। तो शिलापंख चमकीले जो रचना है ये है आपकी गिरिराज कुमार माथुर जी की, गिरिराज कुमार माथुर जी की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि तुलसीदास जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तुलसीदास जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, बरबई रामायण, रस मंजीरी, रामलला नक्षु और विनय पत्रिका। तो इसमें बरबई रामायण तुलसीदास जी की बात हो रही है, तो इसमें बरबई रामायण तुलसीदास जी की रचना है। इसके अलावा रामलला नक्षु ये भी तुलसीदास जी की रचना है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। इसके अलावा विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास जी की रचना है, विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास जी की रचना है। और जो एक रस मंजीरी वाला जो पार्ट रहा मतलब एक जो ऑप्शन था वो कन्हैया, कन्हैया लाल पोद्दार जी की रचना है, कन्हैया लाल पोद्दार जी की रचना है रस मंजीरी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईदगाह, ईदगाह जो एक कहानी है उसके रचयिता कौन है,
ईदगाह की रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो ईदगाह की रचयिता आप सबको पता होगा, ये है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ईदगाह के रचयिता है। अगर अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवास वाली रचना हो गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा है जो आपकी रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। विष्णु प्रभाकर जी की। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात किसकी रचना है? तो ये है आपके नरेश मेहता जी की रचना। नरेश मेहता जी की रचना। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सी रचना केशवदास जी की है? केशवदास जी की रचना के बारे में पूछा जा रहा है। तो केशवदास जी की जो रचना है वो आपको बताना है कि इनमें केशवदास जी की रचना कौन सी है? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है। विज्ञान गीता। अगले क्वेश्चन की बात करें लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस किसकी रचना है? लहरों का राजहंस जो रचना है ये है मोहन राकेश जी की। मोहन राकेश जी की। मोहन राकेश जी की। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मृगनयनी उपन्यास किसकी रचना है? मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास किसकी रचना है? तो मृगनयनी उपन्यास किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी की। वृंदावन लाल वर्मा जी की। वृंदावन लाल वर्मा जी की। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जस्ट अ सेकंड, बहुजन जूठन। जूठन जो कहानी है ये किसकी रचना है? जूठन जो कहानी है, जूठन किसकी रचना है? जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र जो रचना है ये है महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी की रचना है अतीत के चलचित्र। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक और रचना की बात हो रही है, वो भी महादेवी वर्मा जी की है। रचना का नाम है स्मृतियों की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो ये भी रचना जो है ये महादेवी वर्मा जी की है, स्मृति की रेखाएं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो एक कौन सी ऐसी कहानी है जिसकी जो जिसकी पृष्ठभूमि जो लिखी गई है वो प्रथम विश्व युद्ध पे लिखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे कौन सी कहानी लिखी गई है, कौन सी फेमस रचना लिखी गई है? उस रचना का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। और ये आई गेस कि 2017 के एसआई में आया, 2016 के एसआई में भी ये चीज आई है कि उसने कहा था किसकी रचना है, और इसको लिखा था चंद्रधर शर्मा जी ने। चंद्रधर शर्मा जी ने। चंद्रधर शर्मा जी ने। एक और रचना की बात हो रही है, रचना का नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? पंच परमेश्वर किसकी रचना है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है पंच परमेश्वर। अगर अगली रचना की बात करें जो व्यापम में पूछी जा चुकी है, उस रचना का नाम है कल्पलता। कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? तो कल्पलता जो रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगर अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी जान, यह पंक्तियां कौन से रचनाकार की हैं? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये आई गेस तो ऐसे 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं इसका रिव्यू बता रहा था तब मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा था, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये किसकी रचना है? यह है नागार्जुन की जी की रचना। नागार्जुन जी की रचना। नागार्जुन जी की रचना है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, या इनकी पंक्तियां तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। एक और जो रचना है
जिसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, ये किसकी रचना है? कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला जो ये रचना है, ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है कैदी और कोकिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब में से कैदी और कोकिला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है मंत्र, मंत्र शीर्षक की जो कहानी लिखी गई है मंत्र शीर्षक पे, उसके लेखक कौन है? तो मंत्र कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मंत्र कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। ये दो या चार जो पॉपुलर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, इसके अलावा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, तो एग्जैक्टली, और इसके अलावा जो जितने ज्यादा पॉपुलर लोग हैं, इन सबकी रचनाएं तो आपको याद रखना ही है। जयशंकर प्रसाद जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी की जो पॉपुलर रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? चित्राधार, चित्राधार, चित्राधार के अलावा, चित्राधार के अलावा कानन कुसुम, कानन कुसुम, और कानन कुसुम के अलावा इरावती, इरावती, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? आपके जयशंकर प्रसाद जी की। अगर अगली चीज की बात करें तो गीतिका किसकी रचना है? गीतिका काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। गीतिका किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? तो ये रचना है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी की रचना है गीतिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी की रचना है गीतिका। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि साई की धूप किसकी रचना है? साई की धूप किसकी रचना है? साई की धूप किसकी रचना है? तो साई की धूप जो किसकी रचना है, ये दुष्यंत कुमार जी की, दुष्यंत कुमार जी की। अगर अगली रचना की बात करी जाए तो अगली रचना में पूछा जा रहा है कि गजल संग्रह भूमि की किसकी रचना है? गजल संग्रह भूमि की किसकी रचना है? तो ये भी है दुष्यंत कुमार जी की। तो ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं जो मुझे लगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया, और आई थिंक कि ये आपको बहुत काम आने वाली है आपके एग्जाम में, 2 से 3 नंबर दिलाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। जो हम सोचते हैं ना कि मिसलिनियस क्वेश्चन, ये कहां से उठ के आया, ये कहां से उठ के आया, तो ये क्वेश्चन ऐसी ही जगह से उठ के आते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने प्लीज रिव्यू दें कि किस टाइप से आपको ये लेक्चर पसंद आया कि नहीं आया। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, और एक और चीज कि अगर आप इसको शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर करो, ताकि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं हमारे एंड से वो लोगों तक पहुंच सके। और आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो SSC के बैचेस चालू हो गए, बैंकिंग के बैचेस चल रहे हैं, रेलवे और व्यापम, इसके अलावा पटवारी के भी अगर आप लोग मतलब बैचेस तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर अभी भी कोई एडमिशन लेना चाहता है तो 9039055453 नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो स्टे ट्यून, टेक